मॉम आए बैठे, क्या बात है मॉम? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? परेशानी है कुछ? तुम जानते हो ना सलमान, मैंने तुम्हें बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे को इतने दुख भी सहने पड़ेंगे। कैसा दुख? मैं कुछ समझा नहीं। एक मर्द की जिंदगी में उसकी बीवी का बेवफा होना सबसे बड़ा दुख होता है। और अरूज तुमसे बेवफाई कर रही है। मॉम प्लीज, आप अरूज के बारे में ऐसी बात मत करें। अगर मैं नहीं करूंगी तो फिर सारी दुनिया करेगी सलमान, और मुझे अरूज की कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे है, मुझे अरूज की परवाह है। तो फिर ठीक है, तुम परवाह करते रहो। और अगर इतनी परवाह करते हो तो मुझे बताना जरा कि इस वक्त अरूज कहां है। सलमान, मैं वो तस्वीर देख चुकी हूं। तो इसका मतलब है कि ताया जान, वो इस घर के बड़े हैं और उनके कुछ असूल हैं, गैरत के कुछ तकाजे होते हैं सलमान। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम अपनी गैरत बेच चुके हो। फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने
चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। एक ख्लिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। सलमान बेटा क्या हुआ? हाँ तभी ठीक है, तुम्हारी क्या बात है बेटा? तुम अंदर आओ। क्या हुआ है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाती हूँ। वसाई जी, बेगम साहबा, सलमान साहब के लिए जूस लेकर आओ। जी बैठो यहाँ पे। अब बताओ मुझे क्या बात है सलमान? बोलो ना बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होना है? ऐसी बातें क्यों कर, तुम रो रहे हो बेटा? तुम तो बहुत मजबूत सांप के मालिक हो, ऐसे कैसे रो रहे हो? कोई बहुत दिल के करीब था मेरे, इसलिए टूट रहा हूं। जानती हूँ बेटा, जानती हो तुम किसकी बात कर। सारी दुनिया को छोड़कर उसे पसंद किया, अपनी माँ के अगेंस्ट चला गया उसके लिए, और उसने क्या किया? क्या किया अरुज ने? बेवफाई किया उसने, धोखा दिया। सलमान तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जानता हूं, सब महसूस किया। बेटा तुम ये जूस पियो और अपने सारे गुस्से को भी पी जाओ। नहीं चाहिए मुझे, दूर करते हैं। देखो सलमान बेटा, खुद को कभी भी उस जगह पे नहीं लेके जाते जहां से वापसी नामुमकिन हो जाए, खास तौर पे रिश्तों के मामले में। मैं आज उरूज की वकालत नहीं करूंगी। वो बच्ची तो बहुत मासूम और सादी है, उसके किरदार पे बात करने से भी उसका किरदार मैला हो जाएगा। तुम बस मुझे चंद दिन दे दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ बेटा, तुम्हारे दिल में जो भी मैल है ना, वो सब साफ कर दूंगी। मसला रूच का है ही नहीं, मसला तो उस ऐनक का है जो दूसरों ने तुम्हारी आंखों पे पहना दिए बेटा। अब बुरुज चाहे जितना भी उछला लिबास पहन ले, तुम्हें तो मैला ही लगेगा ना।
एक ख्लिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती।